हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और इसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। अगर हम आज के दिन निफ्टी की बात करते हैं तो निफ्टी एक अच्छा खासा गैप अप ओपनिंग देता है 70,770 का, और फिर वहां से ऊपर की जर्नी शुरू करता है और हाई बनता है 70,919 का। और सेकेंड हाफ में हमें वहां पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलती है और मार्केट ने पूरे के पूरे गेन वहां पर ही खत्म करते हुए मार्केट नीचे की ओर आती है और मार्केट क्लोजिंग देता है 70,816 की। एक वीक क्लोजिंग हम इसे बोल सकते हैं। अगर हम इसी के साथ साथ FIA और DIA डाटा की बात करते हैं तो FIAs ने आज 1200 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर DIAs ने 130 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में बाइंग का फिगर बढ़ा है जो हमारे लिए पॉजिटिव हो जाता है। इसी के साथ एक क्वेरी लेते हैं, जहां पर हमारे एक दोस्त की क्वेरी आई थी, अगर HNI कोटा में जो एप्लीकेशन 10 लाख से बड़ी होती है जिसे हम बिग HNI कहते हैं, अगर वो ओवर सब्सक्राइब हो जाए तो वहां पर हमें अलॉटमेंट 2 लाख की मिलेगी या 10 लाख की मिलेगी। देखो, जो मैंने वीडियो डाली थी HNI के न्यू रूल्स के ऊपर, जिसका मैं आई बटन पे जहाँ पे लिंक भी डाल देता हूँ, वहां पर मुझसे भी गलती हुई थी कि मैंने भी वहां पर गलती से बोल दिया था कि अगर IPO 10 लाख से बड़ी में हम अप्लाई करते हैं और अगर वहां पर भी ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाती है तो हमें 10 लाख की एप्लीकेशन मिलती है। लेकिन ऐसा नहीं होता, वहां पर भी हमें 2 लाख की एप्लीकेशन मिलने वाली है। अब वो एग्जैक्ट 2 लाख की होगी, देखो एग्जैक्ट 2 लाख की नहीं होती, जितने भी हमारे जो लोट अप्लाई होते हैं, मिनिमम लोट जो होते हैं, जैसे कि हम अगर हर्षा इंजीनियरिंग में मान लें, वहां पर मिनिमम एप्लीकेशन HNI कैटेगरी में 2,07,900 की थी, वहां पर हमें शेयर्स भी 2,07,900 के ही मिलेंगे। जितने भी हमारे मिनिमम लोट होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग जो भी अमाउंट, वहां पर जो भी हमारे शेयर्स बन रहे होंगे मिल जाएंगे अगर IPO हमें मिल जाते हैं। अब जहां पर एक हल्का सा डाउट आ जाता है कि फिर HNI में बिग HNI और स्मॉल HNI दो पोर्शन बनाए ही क्यों है जब हमें सेम साइज के ही लोट्स मिलने हैं। तो देखो, जो स्मॉल HNI है उसमें तो हमें मिलता है 1/3 पार्ट, मतलब कि जैसे कि SEBI के रूल्स के अकॉर्डिंग 15% का पार्ट जाता है HNI कैटेगरी को, तो जो 15% वहां पर गया है उसका जो 5% होने वाला है वो होने वाला है 2 लाख से 10 लाख की एप्लीकेशन का, और वहीं पर जो बचा रिमेनिंग पार्ट है 10% ऑफ HNI कोटा वो होने वाला है अबव 10 लाख की एप्लीकेशन का, जहां पर जो प्रॉफिट हमें मिलता है बिग HNI में वो यही मिल जाता है कि उनके पास प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, उनको स्मॉल HNI से डबल पोर्शन वहां पे मिल जाता है। अब जहां पर दिक्कत ये आ जाती है कि हम कौन सी कैटेगरी में अप्लाई करें, बिग HNI या स्मॉल HNI। देखो, सबसे पहले तो अगर आपके पास अमाउंट काफी ज्यादा है, मतलब कि अगर आपके पास अमाउंट फ्री पड़ी है बैंक अकाउंट में, तो आप बिग HNI में इजीली अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास डीमेट अकाउंट है, मतलब कि आपकी फैमिली मेंबर्स के मान लो कि 4-5 अकाउंट हैं या फिर आपके फ्रेंड्स के, तो बेटर होता है कि हम स्मॉल HNI में वो अमाउंट डिवाइड करके हम उन सभी ID से अप्लाई कर दें, ऑब्वियसली जहां पर हमारे पास प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। अब जहां पर हमारे पास अगर प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है तो मिलने के चांसेस भी ज्यादा हो जाते हैं, और अगर हमारी किस्मत ज्यादा ही अच्छी हो और हमें वहां पर फॉर एग्जांपल 5 लोट अप्लाई किए HNI में और वहां पर 2 या 3 लोट मिल गए, तो आपकी तो चांदी ही चांदी हो जाएगी। बट इतना याद रखिएगा कि अगर IPO जेन्युइनली अच्छा हो तो ही अप्लाई करें ज्यादा से ज्यादा HNI में, वरना जब IPO सीरियसली अच्छा नहीं होता, जैसे कि TMB बैंक का IPO आया था, वहां पर भी मैंने पहले ही दिन उसमें क्लियर कट ना बोल दिया था, इनफैक्ट रिटेल में भी मैंने मना कर दिया था कि मैं इसे अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, वो उसका इफेक्ट हमें जब वो लिस्ट हुआ देखने को मिला है। हालांकि ज्यादा डिस्काउंट में लिस्ट नहीं हुआ, 3-4% तक हुआ, ठीक था, लेकिन एटलीस्ट जो हमारा मोटो होता है कि हमें वहां पर लिस्टिंग गेन चाहिए जिसके लिए हम IPO अप्लाई करते हैं, अगर हमें वही नहीं मिला तो वो 3-4% का भी लॉस क्यों लूं? अगर बाई चांस वो IPO 10-15% लॉस में खुल जाता, हालांकि IPO अच्छा खुल गया फिर भी इतनी उम्मीद नहीं थी, लेकिन अगर बाई चांस 10-15% में खुल जाता और HNI कैटेगरी में अप्लाई होता तो वहां पर हमें लॉस भी एज पर अमाउंट काफी ज्यादा बड़ा हो सकता था, इसीलिए वहां पर हमें अपना रिस्क फैक्टर देखते हुए अप्लाई करना चाहिए।
क्या हम उतना रिस्क ले सकते हैं या नहीं ले सकते, क्योंकि आईपीओ चाहे जेनुअली अच्छा ही क्यों ना हो बट 100% श्योरिटी आईपीओ में छोड़ो, मार्केट में छोड़ो, लाइफ तक की भी नहीं होती। लाइफ एक पानी का बुलबुला ही है, ना जाने कब फट जाए, इसलिए 100% सिक्योरिटी कहीं पर भी नहीं होती। इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर कोई बोलता है कि मुझसे ये कॉल लो, मैं आपको शेयर बताता हूँ, 100% ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा, फिर तो उसको दूर से ही राम राम बोल दिया करो, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अगर भगवान भी आकर जहाँ पर कह देना मार्केट में कि ये उठा लो, ये पक्का ही बढ़ने वाला है, उस टाइम तो भगवान को भी राम राम बोल दी जाएगी। हमें चार्ट्स बोल रहे हैं उठाओ, हम उठाते हैं, लेकिन वहां पर अपना एक स्टॉप लॉस भी हमें मेंटेन करना होता है। हमने तो जो इसका चार्ट ने बताया हमने कर लिया, लेकिन क्या इसका मतलब चार्ट ने बताया कि क्या वो हमें 100% प्रॉफिट देगा ही देगा? जरूरी नहीं है, इट्स मार्केट भैया जी। तो वहां पर एक थोड़ा सा रिस्क फैक्टर जो होता है ना, उसको समझा करो। इसीलिए स्टॉप लॉस की हम वैल्यू हमेशा रखते हैं, ताकि हमारा जो छोटा सा स्टॉप लॉस होता है वो कहीं बड़े में तब्दील ना हो जाए। एग्जाम्पल दूं एक आईपीओ का, कार ट्रेड आईपीओ, या फिर आप अपना लेटेस्ट ही ले लो आईपीओ, LIC। क्या था, वैल्यूएशन इतनी सही थी। वैसे LIC का प्राइस स्टॉक मार्केट में प्रडिक्ट करना ना कोई नहीं कर सकता। LIC का प्राइस कहाँ तक जा सकता है, अगर जाने को 100 रुपये में भी आ सकता है, जाने को वो 5 डिजिट में भी कभी भी बदल सकता है, क्योंकि LIC स्टॉक ही ऐसा जिसे हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। मार्केट में कोई भी उसके प्राइस को फ्यूचर में प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकता। लेकिन क्या इसके बेस पर मैं गैम्बलिंग कर लूं? नहीं, अगर स्ट्रेंथ शो करेगा तब वहां पर हम उसमें एडिशन करने की सोचेंगे। एनीवे आई होप कि आपका डाउट जहां पर क्लियर हो चुका हो। और इसी के साथ साथ अगर हमें एप्लीकेशन देखने की कितनी ज्यादा ओवर सब्सक्राइब हो चुकी है, तो आप चित्तौड़गढ़ की वेबसाइट पर वहां से लाइव सब्सक्रिप्शन स्टेटस देख सकते हो। अगर हम कल के दिन मार्केट की बात करते हैं, तो सबसे पहले तो आज फेड रेट इंटरेस्ट हाइक करने वाली है, जिसका फैसला हमें रात तक मिल जाएगा। हाँ, एक बात और है कि ऑलरेडी काफी ज्यादा चीजें वहां पर डिस्काउंट हो चुकी है मार्केट में, इसलिए अगर फेड रेट हाइक इंटरेस्ट करती भी है तो वो इफेक्ट पड़ेगा, बट इतना नहीं पड़ेगा। इस बात को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि US मार्केट ऑलरेडी वहां से काफी ज्यादा डिस्काउंट हो चुकी है और ऑलरेडी उन चीजों को टेक केयर कर चुकी है। और इसी के साथ साथ आज के दिन ना मार्केट में अगर हम बात करते हैं, तो ना डाटा को अगर आपने देखा होगा, इनफैक्ट आज जब मैंने सुबह डाटा देखा, 70,800 पे अच्छी खासी पुट राइटिंग थी, और वो पुट राइटिंग अप्रोक्स 1,80,000 के ऊपर थी। अब वहां पर हुआ क्या, सेकेंड हाफ में ना वो पुट राइटिंग कम होते 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 अप्रोक्स 1 लाख के आसपास आ चुकी थी। अब जहां पर डाटा इतना गंदा चेंज हुआ ना, और उसके अगर हम ऊपर की साइड को भी पुट राइटिंग देखते हैं ना, तो वहां पर भी कम होने लगी थी। मतलब कि वहां पर भी एक मार्केट में कल के दिन फियर बना हुआ था कि कल के दिन मार्केट का क्या हाल होगा। जो भी हाल होगा, जैसी मार्केट ओपन होती है, वो सिर्फ हमें आज रात US मार्केट को देखने पर ही पता लगेगा कि फेड उसको कैसे लेती है। बट हाँ, एक जो वहां पर फियर फैक्टर बना हुआ है डाटा की वजह से, जहां पर डाटा ने भी कुछ इंडिकेशन दिए थे गैप डाउन खुलने के, तो हम उस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते। अब जहां पर अगर मैं कल बोल दूं कि कल तो 100% गैप डाउन खुलेगा, कैसे बोल दूं? 100% जब मार्केट में कोई श्योरिटी नहीं है, तो मैं कैसे बोल दूं? हाँ, प्रोबेबिलिटी ये है कि गैप डाउन खुल जाए, बट प्रोबेबिलिटी होगी, श्योरिटी नहीं। और इसी के साथ साथ अगर हम कल की रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो इमीडिएट रेजिस्टेंस हमें 70,900 पर मिलने वाला है, और मेजर मेजर रेजिस्टेंस हमें मिलेगा 80,000 के लेवल पर। और अगर हम सपोर्ट की बात करते हैं, तो 70,600 पर इमीडिएट सपोर्ट है, और मेजर सपोर्ट रहने वाली है 70,300 से 400 की रेंज। और अगर मार्केट कल फेड की वजह से और परसों वीकली एक्सपायरी की वजह से अगर हमें बाई चांस 70,000 के नज़दीक देखने को मिलती है, तो वहां पर एक हमारे पास अच्छी खासी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक स्मॉल केस बना भी दिया है। अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो जल्दी से जल्दी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट मार्केट लव अफेयर सर्च करके वहां से भी ज्वाइन कर सकते हो। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।